देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर जो अनावश्यक और आपत्तिजनक बयान दिया है, ये कांग्रेस पार्टी की उस तथा कथित मोहब्बत की दुकान को एक नई और निचली पहचान दे रहा है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अस्वस्थ होने पर खड़गे जी को तुरंत फोन करके उनका कुशल क्षेम पूछा, जो मोदी जी के मन में संवेदना और गरिमा को दर्शाता है, तो दूसरी तरफ खड़गे जी ने अनावश्यक अवांछनीय रूप से अकारण ही, जैसा गृहमंत्री अमित शाह जी ने भी कहा है, इस विषय को मोदी जी के प्रति उनके मन में बैठी हुई कुंठा, निराशा और ग्लानी के साथ जोड़ा। परंतु हम ये कहना चाहेंगे कि ये दर्शाता है कि कांग्रेस के भिन्न भिन्न नेताओं के मन में मोदी जी के प्रति घृणा, कुंठा और ग्लानी, यानी फ्रस्ट्रेशन और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कितने गहरे बैठी हुई है कि अस्वस्थता में भी उनके मन से उभर कर सामने आती है। परंतु हम खड़गे जी के दीर्घ जीवन की कामना करते हैं, और भले ही वो विश्वास करते हो ना करते हो वेदों के दर्शन में, परंतु वैदिक दर्शन के अमर उद्घोष जीवेम शरदा शतम के अनुरूप हम यहाँ पे ईश्वर से कामना करते हैं कि वो 100 वर्ष तक जिए, और जैसे राहुल गांधी जी ने पिछले 23 वर्षों से मोदी जी को सत्ता से हटाने की हसरत के साथ हाफ सेंचुरी पूरी की है, तो खड़गे जी उसी हसरत के साथ सेंचुरी पूरी करने में सफल हों। परंतु मैं यह भी कहना चाहूँगा, वो आयु में हमसे बहुत बड़े हैं, हम लोगों की फादर की जनरेशन के इक्वलेंट हैं, तो कोई शिक्षा देना जैसा शब्द जो है वो मर्यादा के प्रतिकूल लगेगा, परंतु उन्हें स्मरण देना चाहता हूँ कि इस देश के बहुत से प्रबुद्ध संत ये बातें कह गए हैं कि जरूरी नहीं कि आपके मन की बहुत सी कुंठाएँ और आकांक्षाएँ जीवन के उपरांत भी पूरी हों। तो मैं खड़गे जी के दीर्घ जीवन की कामना करते हुए उन्हें कबीर दास जी का ये दोहा याद दिलाना चाहता हूँ कि माया मरे न मन मरे, मरमर जाए शरीर, आशा तृष्णा न मरे, कह गए दास कबीर।